क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद अब नजरें वनडे सीरीज पर हैं और वनडे सीरीज को भी जीतकर भारतीय टीम इतिहास रचना चाहेगी। लेकिन इस बीच टीम इंडिया के दो बड़े और अहम खिलाड़ियों पर बैन लग गया है, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। असल में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के कॉफी विद करण शो में की गई टिप्पणियों पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। दोनों ही खिलाड़ियों पर दो वनडे मैचों का प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है और बीसीसीआई की समिति ने इस बैन की सिफारिश भी कर दी है। ऐसे में कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि दोनों को टीम में लिया जाए या नहीं। प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने दोनों पर दो वनडे मैचों के प्रतिबंध की सिफारिश की है, लेकिन साथ ही सदस्य डायना एडुलजी ने यह मामला बीसीसीआई की लीगल सेल के पास भेजा है। ऐसे में उन दोनों पर बैन लगेगा या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। असल में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल कॉफी विद करण शो में गए थे, जहां उन्होंने महिलाओं पर कुछ कमेंट्स किए थे, जिससे हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए। पांड्या की टिप्पणी को महिला विरोधी करार दिया गया, उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इस पर हार्दिक ने माफी भी मांग ली थी, मगर बीसीसीआई बैन को लेकर पूरी तरह गंभीर है और दोनों पर बैन लगना तय है। तो ऐसे में अब दोनों ही खिलाड़ियों पर बैन लगना ठीक है या गलत, इस पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।